हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये रसीले मालपुए देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। और अगर आपको ये पता लगे कि ये आटे से बने हैं तो क्या बात है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही क्विक एंड ईजी आटा मालपुए की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो ये बेल का आइकन है उसे दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छे लगें तो थम्स अप दें। सबसे पहले एक मिक्सर जार में 1/4 कप सूजी ऐड करेंगे। इस सूजी को हमें एकदम फाइन पीस लेना है। फिर इसमें 3/4 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। जी हाँ, आज हम मालपुआ बिना मैदे के बना रहे हैं। फिर इसमें 2 छोटे चम्मच सौंफ ऐड करनी है। सौंफ का मालपुए में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसे स्किप ना करें। फिर इसमें 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर भी ऐड करना है। अब इन सभी ड्राई चीज़ों को एक बार पीस लें, इससे ये एक साथ मिक्स हो जाएंगे। मालपुए का बैटर बनाने के लिए इसमें 1.5 कप जितना दूध ऐड कर रही हूँ। दूध रूम टेम्परेचर पर या हल्का गर्म भी चलेगा। साथ ही 2 बड़े चम्मच मलाई के ऐड करेंगे। बस इन सभी को एक बार पीस लें और एक बाउल में निकाल लें। तो ये लीजिए, मालपुए का बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इस बैटर को ढककर 15 मिनट रेस्ट होने देंगे। तब तक हम मालपुए के लिए चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो पैन में 1/2 कप शक्कर ले लेनी है। उसमें 1/2 कप से 1 चम्मच ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए कुक करना है, जिससे शक्कर नीचे लगे ना। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें और इसे कंटिन्यू चलाएं। मालपुए के लिए कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इसे बस हल्का चिपचिपा होने देना है। अच्छे कलर और फ्लेवर के लिए यहाँ मैं 1 चम्मच केसर इलायची सिरप ऐड कर रही हूँ। सिरप डालकर इसे अच्छे से चला ले। चाशनी भी रेडी हो चुकी है, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ कोई तार नहीं बन रहे हैं, ये बस चिपचिपी सी है। गैस की फ्लेम बंद करके इसे साइड में रख लेंगे। मालपुए का बैटर भी रेस्ट होकर रेडी है। बैटर पहले से गाढ़ा भी हो चुका है। मालपुए के बैटर की कंसिस्टेंसी रनिंग होनी चाहिए, यानी एक धार में ही गिरना चाहिए। मालपुए का बैटर परफेक्ट है। चलिए मालपुए बना लेते हैं। तो एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। अब एक धार से मालपुए के बैटर को डाल लेंगे। ये अपने आप ही शेप ले लेता है। मालपुए को फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा गहरा पैन ना लें। जब ये किनारों से गोल्डन हो जाए तब इसे हम पलट लेंगे। दोनों तरफ से सुनहरा कलर आने तक के फ्राई करें। यहाँ पर क्रिस्पी मालपुआ फ्राई हो चुका है। सेम तरह से और भी मालपुए फ्राई कर लेंगे। तो बैटर को एक धार से तेल में डालें और गोल्डन होने तक के फ्राई करें। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई पर रख सकते हैं। ये मालपुए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। फ्राई किए हुए मालपुओं को चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी को यहाँ पर मैंने हल्का गरम कर लिया है। मालपुओं को चाशनी में 5 से 10 मिनट तक के रहने दें। वाव, एकदम रसीले आटे के मालपुए बनकर तैयार हैं। इन्हें अब चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। सभी मालपुओं को मैंने चाशनी में भिगो लिया था।
अब ड्राई फ्रूट्स डालकर इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो थी ना एकदम इजी और टेम्प्टिंग रेसिपी, आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।